सब्सक्राइब करें हमारे आईटी गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले अपने इनबॉक्स में पाने के लिए। हे गाइस, वेलकम टू आईटी गुरुजी। स्वागत है आपका आईटी गुरुजी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं परमवीर सिंह और दोस्तों आज हम सीखेंगे कि आप अपने यूट्यूब वीडियोज़ में जो नीचे स्क्रॉलिंग टेक्स्ट चल रहा होता है, जो नीचे हेडलाइन में टेक्स्ट चल रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है धीरे धीरे, वो आप अपने वीडियोज़ में कैसे लगा सकते हैं काइन मास्टर से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने वीडियो ले लिया है टेम्परेरली और आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये कुछ बैकग्राउंड में लगाने लायक ये जो वीडियो है, तो ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ले लिया है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, वो पोजीशन सिलेक्ट कर लेनी है जहाँ से आप वो टेक्स्ट लगाना चाहते। तो मान लीजिए मैं 10 सेकंड से लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे आपने सेट कर लिया इसे। उसके बाद दोस्तों आप जाएंगे लेयर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट है जो वो टाइप कर लेंगे। ये मैंने टेक्स्ट टाइप कर लिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद दोस्तों आप इसकी पोजीशन है जो वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे कि आप इसे कहाँ दिखाना चाहते हैं। यहाँ से इस एरो पे क्लिक करके आप इसका जो साइज़ है वो बढ़ा भी सकते हैं और मैं इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ सेट कर देता हूँ। उसके बाद आप अगर इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, किसी अलग तरीके से ये फॉन्ट को लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं, तो ये यहाँ जो AA लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल को चूज़ कर लें। जैसे मैं ये फॉन्ट ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो इसका जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है, कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट का, तो यहाँ से जो वाइट बना हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कलर्स काफ़ी सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं येलो कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये येलो कलर में हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर ये जो शेड, यहाँ पर ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, शेडो, ग्लो, आउटलाइन, बैकग्राउंड और फुल विड्थ बैकग्राउंड, इन सबको आपको ऑन कर देना है। और उसके बाद अगर आप इनमें से आउटलाइन या ग्लो का कलर चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं अभी आपको आउटलाइन का करके दिखाता हूँ। आउटलाइन पर क्लिक किया और ये मैंने यहाँ से रेड कलर ले लिया और ओके कर दिया। तो टेक्स्ट में आप अब देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा रेडिश सा हो गया है, इसका जो बैक जो बॉर्डर एरिया है वो थोड़ा रेडिश सा हो गया हर अल्फ़ाबेट का। तो ऐसे आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। चेंजेस करने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपने इस टेक्स्ट पर अपने फिंगर से टैप करना है और इसको इस पोजिशन पर रख लेना है यहाँ पर। ठीक है, इस पोजीशन पर रखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप लेफ़्ट साइड में देख रहे होंगे डिलीट का बटन आ रहा है और डिलीट के बटन के ऊपर जस्ट एक चाबी सी बनी हुई आ रही है, तो इस की पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप राइट साइड में यहाँ पे देख रहे होंगे एनिमेशन टैब खुल गया। एनिमेशन टैब में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, कोई चेंजेस नहीं करना है, आपको प्लस पे क्लिक करना है, ये जो प्लस राउंड सा बना हुआ है इस पर क्लिक करना है, कर दिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है जहाँ एस यू और यू लिखा है यहाँ पर आप अपना अंगूठा या फिंगर को रखना है और जो टेक्स्ट है उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है, मूव करना है। आपको एक बार मैनुअली करना पड़ेगा, आपको ये धीरे 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 आगे बढ़ाना है जिस स्पीड में आप दिखाना चाहते हैं। तो मैं अभी इसे फिंगर से धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ। आपको ये एक बार करना है और आराम से करना है, स्मूथली करना है। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस जो येलो पट्टी है आपकी जो टाइमलाइन है इसको आगे की तरफ स्क्रॉल करना है और जहाँ पे ये टी लिखा हुआ है यहाँ पर लाना है इसे। ओके, यहाँ पर आने के बाद आपको फिर से प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है, यहाँ पे इस एरिया में आ जाएं, इस प्लस वाले साइन पे क्लिक किया और उसके बाद फिर से आपको वापस से ये जो आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं डिलीट बटन के ऊपर ये जो चाबी सी बनी हुई है, की बनी हुई है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो ये आपका जो टेक्स्ट है अब रेडी हो चुका है। अब इसके बाद आप यहाँ से राइट साइड ऊपर से ओके कर दीजिए और अब वीडियो को प्ले करके हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं 7 सेकंड से वीडियो को प्ले करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा टेक्स्ट है और रनिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, बहुत ही अच्छे से ये बन गया है। आपको अगर वीडियो सॉरी आपको अगर इसकी स्पीड है जो फास्ट लग रही है तो आप इस पर क्लिक करके और इसका जो साइज है इसको एक्सपेंड कर दें थोड़ा, और अब आप प्ले करके देखें तो आपको जो स्पीड है वो थोड़ी कम लगेगी। अगर आप और स्लो करना चाहते हैं तो इसको और स्लो कर सकते हैं, और अगर आप इसे बार बार दिखाना चाहते हैं
तो आप इस येलो पट्टी पे क्लिक कीजिए, फिर डिलीट बटन के नीचे जो तीन डॉट्स आ रही हैं यहाँ, इस पर क्लिक कीजिए और डुप्लीकेट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए दो बन चुके हैं, तो आपको क्या करना है, दूसरे वाले को इस पोजीशन से थोड़ा अलग कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब आप अगर प्ले करेंगे तो ये दोनों बारी बारी से प्ले होंगे। ये फर्स्ट वाला ओवर हो गया और अभी ये सेकंड वाला प्ले हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये आप सीख चुके होंगे, बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं, आपको आराम से फॉलो करने हैं, आपसे भी हो जाएगा। और अगर आप एक बार इसे कर लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कर दीजिए लाइक इसी बात पर, और अगर आप नए यूज़र हैं और इसी तरीके की वीडियोस आप आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।